सुंदरबनी सेक्टर एलओसी के इलाके में एक बार फिर लोगों में उस समय दहशत फैल गई जब लोगों ने एक बार फिर से जेट फाइटर जो है फाइटर प्लेन जो है वो इलाके में उड़ते देखे हैं। आप देखेंगे आसमान पर जो है ये पूरे इलाके में जो सुंदरबनी के साथ सटा हुआ एलओसी का इलाका और यहीं पर आप देखेंगे जेट फाइटर जो है वो फाइटर प्लेन जो है वो उड़ रहा है। ये फाइटर प्लेन जो है एलओसी के ठीक पहले जो है वापिस मुड़ा और उसके बाद एक राउंड लेते हुए फिर एलओसी के इलाके की ओर जो है वो घूम रहा है, जिसके बाद कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनमें इस चीज को लेकर जो है वो चिंता हो गई कि आखिरकार क्या एक बार फिर सीमा पर तनाव जो है वो है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो फायरिंग हो रही है पिछले कई दिनों से और खासतौर पे एयर स्ट्राइक के बाद से, तो उस वजह से कहीं ना कहीं दहशत जरूर लोगों में जो है वो फैली हुई है। मेरे साथ यहाँ कुछ लोग हैं, आप देखेंगे दुकानों पर जो लोग हैं वो भी लगातार ऊपर देख रहे हैं कि आखिरकार ये कौन सा प्लेन है, फाइटर प्लेन एक बार फिर इस इलाके में दिखा तो उसके पीछे क्या वजह है, आपने क्या देखा ये कब शुरू हुआ, ये पहले कभी ऐसा देखा है, तो मतलब इसके देखने के बाद फिर एक बार लग रहा है कहीं जो हालात पहले हुए थे उसे लग तो रहा है कोई खतरा है। ये कितना दूर है यहाँ से, बॉर्डर कितना दूर है, 25 किलोमीटर जो नौशहरा वाला है, नौशहरा नहीं तो अच्छा, तो ये इससे पहले कभी नहीं देखा, पहले कभी नहीं देखा हमारे आप समझ सकते हैं इनका कहना है कि पहले इस तरह की कोई हरकत इन्होंने यहाँ नहीं देखी, मगर आज इन्होंने एक बार फिर देखा है और उसके बाद कहीं ना कहीं लग रहा है कि सीमा पर क्या हालात फिर चिंताजनक होने वाले हैं। अनुज कुमार के साथ अजय इंडिया न्यूज सुंदरबनी सेक्टर।